दुनिया की सबसे महंगी किताब है द कोडेक्स लाइसेस्टर, और इस किताब को लिखा है लियोनार्डो द विंकाई ने, वो भी उल्टा करके। यानी कि कोई भी नॉर्मल इंसान इस किताब को सीधा करके नहीं पढ़ सकता। और इस किताब में टोटल 72 पेजेस है, और ये इतनी ज़्यादा महंगी है कि अगर आप इस किताब के 2 पेजेस को कहीं जाकर बेचोगे भी ना, तो आप एक हेलीकॉप्टर खरीद के ले सकते हो। और आपको पता है कि इस किताब को बिल गेट्स ने 375 करोड़ में खरीद रखा है। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मिलते हैं तुक्के से या फिर बेल आइकन के साथ। गाइस, मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, जरा इस फोटो को ध्यान से देखना। आपको एक फोटो दिख रही होगी जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके आसपास कुछ चीजें हैं। क्या आपको कुछ इसमें खास और अलग दिख रहा है? सोचो सोचो, इस फोटो में कुछ तो खास है, जरा ध्यान से देखो। गाइस, आपको फोटो में एक आदमी दिख रहा है, उसने एक छोटा सा बक्सा पकड़ा हुआ है। पता है आपको ये बक्सा क्या चीज है? ये जो छोटा सा बक्सा है, ये परमाणु बम फैटमैन का न्यूक्लियर कोर है, जिसने नागासाकी में 80,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। चीज छोटी सी लेकिन कारनामा बहुत बड़ा। जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो मिलते हैं तुक्के से या फिर बेल आइकन के साथ। गाइस, क्या आप जानते हैं कि डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल नाम के एक इंसान ने किया था? लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन्होंने 1913 में जाकर सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड का कारण जानकर आप बहुत ही ज्यादा चौंकने वाले हैं, क्योंकि रुडोल्फ डीजल को लगता था कि उनका जो ये डीजल इंजन का आविष्कार है, ये पूरी तरह से बेकार है, ये कभी भी काम नहीं करेगा। सिर्फ इसी बात को मन में लेकर उन्होंने सुसाइड कर लिया, यानी कि बहुत ही जल्दी हार मान ली। और गाइस, क्या आपको पता कि आज की डेट में 60% व्हीकल्स में डीजल इंजन लगा हुआ है? इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर 100 में से 0.000% भी चांस हो, तो उस चांस को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके लिए काम करते रहिए, कभी भी हार मत मानिए, आपका समय भी जरूर आएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद। दुनिया का पहला कैमरा इतना बड़ा था कि उसे उठाने के लिए भी 40 से 50 आदमी लगाए जाते थे। दुनिया का पहला कैमरा इतना बड़ा था कि वो एक ट्रक के साइज को भी टक्कर दे सकता था। सबसे पहले कैमरे का आविष्कार जोहानन जहान ने किया था, और उन्होंने इस कैमरे को 1685 में बना लिया था। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि इस कैमरे से एक फोटो लेने के लिए कितना टाइम लगता था? पूरे 8 घंटे। जी हाँ दोस्तों, पूरे 8 घंटे। अगर आज के समय में 8 घंटे एक फोटो को लगे ना, तो दुनिया फोटो लेना ही छोड़ देगी। सहमत हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आखिर एटीएम मशीन का आविष्कार कैसे हुआ? गाइस, क्या आपको पता है कि एटीएम मशीन के इन्वेंटर जॉन शेपर्ड बैरोन एक बार बैंक में से पैसे निकालने के लिए गए, क्योंकि उस टाइम उन्हें पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो बैंक देर से पहुंचे। सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंचने की वजह से बैंक वालों ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने बैंक वालों की रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, मुझे पैसे निकालने दो। लेकिन बैंक वालों को तो अपनी लगी हुई थी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हम तो देंगे ही नहीं। तब जॉन शेपर्ड बैरोन भाई साहब को एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे कभी भी किसी टाइम जब मर्जी पैसे निकलवा सके। तब भाई साहब ने 1965 में एक ऐसी मशीन बना डाली जिससे कहीं पर भी कभी भी पैसे निकलवा सके, और जिसे आज के जमाने में हम एटीएम मशीन कहते हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था जिसका नाम था निकोला टेस्ला। उसने पूरी दुनिया को मुफ्त में बिजली देने के तरीके का एक इन्वेंशन कर लिया था, लेकिन शक्तिशाली नेताओं और बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा इस तरीके को इतना रहस्यमय बना दिया गया कि ये तरीका रहस्यों में ही दफन हो गया। उनका ये तरीका पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। लेकिन अगर ये तरीका आज दुनिया के सामने होता, तो पूरी दुनिया को मुफ्त में बिजली मिल गई होती। गाइस, क्या आप जानना चाहते हैं कि निकोला टेस्ला ने वो कौन से तरीके का इन्वेंशन किया था जिससे कि मुफ्त में बिजली मिल सके? अगर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, धन्यवाद। साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक सेलफोन जैसी चीज मिली, और वो सेलफोन चमड़े से बना हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब उस सेलफोन की कार्बन डेटिंग की गई। कार्बन डेटिंग के दौरान पता चला कि वो सेलफोन 1300 साल पुराना था।
लेकिन सेलफोन का आविष्कार तो 1973 में हुआ था, तो 1300 साल पहले वहां पर सेलफोन कहां से आ गया? अब इसके पीछे क्या रीजन है, टाइम ट्रैवल या फिर एलियंस? गाइस आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, धन्यवाद।